तो राइट right नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूं आपका रिवीजन काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस ठीक है और ये जो आपका जेई नीट और इलेवन फिजिक्स इसमें कवर्ड होगा और इस चैप्टर में ये जो टॉपिक्स में जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि आपका ये प्रेशर एंड टोटल ट्रांसनेशनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड होता है इसमें और ये आपको इसमें मैग्जुअल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है और एक इसमें और भी एक लॉ है लॉ ऑफ द इक्वी ऑफ एनर्जी डिग्री ऑफ द फ्रीडम ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ द फ्रीडम और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस राइट तो ये जो चैप्टर्स है ना ये इसमें देखो आपको ना पर्टिकुलरली जो जेई और नीट में ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें इजी और स्कोरिंग होता है मतलब इस चैप्टर्स में अगर आपको सारा फॉर्मूला वगैरह दिमाग पर है सेटअप तो समझो कि आपको ये क्वेश्चंस निकाल लोगे आप ठीक है तो उसके हिसाब से ये ऐसे तो थर्मोडायनेमिक्स में चार पाँच क्वेश्चन होते हैं तो थर्मोडाइनेमिक्स का पार्ट है ये आपका ऑलरेडी हम लोग कैलोरीमेट्री तो डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ना और के अभी ये चल रहा है उसके बाद आपका थर्मोडाइनेमिक्स होगा और हीट ट्रांसफर राइट right. तो देखो जैसे मैं बोल रहा था कि हाँ आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए फॉर्मूला का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जैसे कि मान लो कि ये आपका ये चैप्टर्स को स्टडी करने के लिए हम लोग चूंकि होता है ये क्या है आपका ये कलेक्शन ऑफ द लार्ज नॉ लार्ज नंबर ऑफ़ द पार्टिकल्स एट रैंडम स्पीड है ये ठीक है ये जैसे कि कोई आपका इसमें बहुत सारे मोलिक्यूल्स होते हैं बहुत लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स है अब ये इनका जो हर मोलिक्यूल्स का स्पीड अलग अलग होता है ठीक है तो ये गैस गैस को आप लोग क्या बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ़ द लार्ज नंबर ऑफ़ द पार्टिकल्स एट रैंडम स्पीड ठीक है तो इस तरह के सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको कुछ एजम्पन्स होते हैं कैटेजी एजम्पन्स होते हैं तो मैं इसको अलग से नहीं डिस्कस करूंगा जो टॉपिक्स डिस्कस करूंगा तो उसमें जो एजशंस हम लोग मान रहे हैं उसको इंडिकेट कर दिया जाएगा राइट जैसे कि आपका आपको पता है जैसे आपने फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ा कि फ्लूड जो होता है थ्रस्ट एग्जर्ट करता है और उसके चलते आपका फ्लूड एग्जर्ट्स प्रेशर इन द सेम मैनर जो गैस होता है ना वो आपका प्रेशर एग्जर्ट करता है ठीक है ये गैस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम स्पीड में होते हैं और दे एग्जर्ट्स प्रेशर वो जो वाल जो होता है कंटेनर का वाल होता है उससे वो टकराते हैं तो इसका जो पी जो होता है प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा टू बाई थ्री एन बाई वी वन बाई टू एम वी स्क्वायर बार ठीक है तो ये हमारा जो है आपको प्रेशर का फॉर्मूला हो गया एन क्या है कैपिटल एन नंबर ऑफ़ द मोलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ़ द मोलिक्यूल्स राइट टोटल टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स राइट टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है ना और ये एम क्या है मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल है राइट मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल्स मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल ठीक है और ये व्ही स्क्वायर बार जो देख रहे हो ये मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगा मीन स्क्वायर स्पीड होगा राइट तो ये टू बाई थ्री एन बाई वी वन बाई टू एम वी स्क्वायर बार राइट अब इसको तुम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो इससे भी और भी रिलेशनशिप निकाल सकते हो जैसे p इज इक्वल टू कितना यार टू बाई थ्री एन बाई वी वन बाई टू एम बी स्क्वायर बार तो ये टू टू गया तो तुम्हारा और n और m ये मिलकर के टोटल मास ऑफ द गैस हो जाएगा ठीक है और टोटल मास ऑफ द गैस और वॉल्यूम मिलकर क्या हो जाएगा डेंसिटी तो P इज इक्वल टू वन बाई थ्री रो भी ए स्क्वायर बार ठीक है तो ये एक आपका या भी ए स्क्वायर बार इज इक्वल टू थ्री पी बाई रो तो ये फार्मूला हो गया ठीक है तो इस तरीके से अब देखो ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में आ गया इस पर तुम कुछ ये बना सकते हो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो राइट और जैसे कि आपका आइडियल गैस इक्वेशन का भी आइडिया होगा तुम्हें आइडियल uh, गैस में इक्वेशन ऑफ स्टेट ठीक है इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ठीक है एन क्या है नंबर ऑफ़ द मोल्स है और डेंसिटी ऑफ द गैस डेंसिटी ऑफ द गैस जो होता है पी एम बाई आर टी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम मोलिकुलर वेट हो गया ठीक है मोलिकुलर वेट और ये ध्यान देना जब तुम मोलिकुलर जैसे ऑक्सीजन का लेते हो तो थर्टी टू ग्राम पर मोल और ध्यान देना अगर आप इसको के जी पर मीटर क्यूब में लिखते हो तो ये आपका 32 टू इंटू टेन टू दी माइनस थ्री के जी पर मोल हो जाएगा ठीक है तो यूनिट की जो कंसिस्टेंसी है उस पर भी ध्यान देना है तुम्हें राइट तो ये सब ध्यान देना है रो इजकल टू पी एम बाई आर टी ठीक है तो ये सब हो गया और भी कुछ कुछ मैं ऐसे डिस्कशन करता हूं जो फॉर्मूला पहले आप दिमाग पर ले लो उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करोगे ठीक है जैसे तुम्हारा ये बोलते हैं क्या बोल टोटल ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस जैसे ये तुम्हारा गैस है तो इसमें तो सब मोलिक्यूल्स हैं तो एकॉर्डिंग टू ए ऑफ द के जो होगा आ, सारे गैस मोलिक्यूल्स को हम आइडेंटिकल मानते हैं ठीक है ना और एस्फेरिकल मानते हैं मतलब जितने भी गैस मोलिक्यूल्स है उसका अगर ये मास एम 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 हाँ स्पीड अलग अलग होगा तो अब टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहोगे तो वन बाई टू एम भी वन स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम भी टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट राइट तो ये तुम वन बाई टू एम भी वन स्क्वायर प्लस भी टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई एन इन टू एन कर दो ये तुम्हारा मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स तो ये एम इन टू एन ये स्मॉल एम क्या है मास ऑफ द सिंगल मोलिक्यूल ऑफ द गैस है तो वन बाई टू आप मास ऑफ द गैस एंड भी स्क्वायर बार ठीक है तो ये तुम्हारा टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया वन बाई टू मास ऑफ द गैस वी स्क्वायर बार और भी चाहो तो तुम इसको डिस्कस कर सकते हो कि टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया वन बाई टू मास ऑफ द गैस वी स्क्वायर बार और ये वन बाई टू मास ऑफ द गैस भी स्क्वायर बार थ्री पी बाई रो ठीक है तो ये मास ऑफ द गैस बाई रो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा तो थ्री बाई टू पी भी राइट तो देखो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया थ्री बाई टू पी भी तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला को माइंड में रख करके क्वेश्चन बनाया जाता है तो देखो मेन होता है कि आपको फॉर्मूला जानना फॉर्मूला रिकॉल करना साथ में उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा प्रॉब्लम को डिस्कस करने में ठीक है आपको प्रैक्टिस से तो होता है लेकिन उसका जो मेन क्रक्स uh, बोलते हैं जो कि उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए अब जैसे ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो थ्री बाई टू पी इज इक्वल टू एन राइट ये भी आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है ना टोटल ट्रांसलेशनल इस तरह से हम लोग देख सकते हैं टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो थ्री बाई टू पी भी है ना तो ई इज इक्वल टू थ्री बाई टू पी भी या ऐसा भी बोल सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्री बाई टू पी भी या ई e बाई मतलब ये टोटल ट्रांसलेशनल टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अब ये तो हम ऐसा करो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इज इक्वल टू थ्री बाई टू पी या इसको आप बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू थ्री बाई टू पी व्हाट इज दिस एनर्जी डेंसिटी राइट ये आपका रिजल्ट uh, हो रहे हैं तो ऐसे ध्यान देना है सब रिजल्ट्स में तो ये सब गैस के बारे में आपका जो इंपॉर्टेंट uh, चीज़ है ठीक है ना गैस में और भी कुछ uh, जैसे कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है गैस के अंदर में ये जो अगर गैस है तो इसमें आपका डिग्री ऑफ द फ्रीडम ठीक है इसको एफ से मतलब ये है क्या इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वेज टू कंटेन द एनर्जी बाय एनी गैशियस एटम और मोलिक्यूल ठीक है क्या है इट इज मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ द वेज ठीक है वेज टू कंटेन टू कंटेन एनर्जी ठीक है टू कंटेन एनर्जी बाय एटम और मोलिक्यूल बाई एटम और मोलिक्यूल इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द फ्रीडम ठीक है जैसे आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह का होगा आपको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी राइट तो ये डिग्री ऑफ द फ्रीडम नंब जैसे कि आप ये डिपेंड करता है एटोमी सिटी पर ये डिपेंड करता है एटोमी सिटी पर डिपेंड करता है और आपको जैसे मोनो मोनोम रहेगा तो एफ थ्री होता है डाया रहेगा तो आपका एफ फाइव होगा तीन में आपका के एक्स के वाई के जेड ठीक है मतलब सिंगल रहेगा तो या तो इधर मूव करेगा या तो इधर मूव करेगा या तो जेड में मूव करेगा और अगर डाया रहेगा डाया रहेगा तो इसमें मतलब इस तरह से डायाटोमिक मोलिक्यूल्स तो ये इधर घूम सकता है इसके रेस्पेक्ट में घूम सकता है या के रेस्पेक्ट में लेकिन ये इसके रेस्पेक्ट में एम आई जो होगा ना बहुत छोटा होगा तो इसलिए इसको नहीं लेंगे तो इसमें और ये मतलब पाँच पाँच का मतलब हो गया कि के एक्स के वाई के जेड और ये रोटेशनल में दो लोग हैं ठीक है आ, के रोटेशनल एक्स और मतलब वन और टू बोल सकते हो के आर टू तो ये आपका फाइव होगा ठीक है तो ये एक थोड़ा टेबल लाइक चीज़ है जिसमें नंबर ऑफ क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो टेम्परेचर रेंज भी होता है जैसे तुम्हारा अगर लेस देन सेवेंटी रहेगा तो डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री लेते हैं और आपका 70 से लेकर के मतलब आपको समझो कि 2050 थाउजेंड से लेकर के 5000 थाउजेंड के बीच में टेम्परेचर में डिग्री ऑफ फ्रीडम डाइटोमी के लिए फ़ाइव लेते हैं और अगर 5000 हज़ार से ऊपर तो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सेवन लेंगे उसमें थ्री ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल और टू वाइब्रेशनल ठीक है तो ये डेटा दे, वगैरह देख लोगे आप ठीक है ना और इसमें आपको लॉ ऑफ इक्पटिसन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ इक्पटिसन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द गैस जो होता है एक इंटरनल एनर्जी ये भी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस जो होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें यू यू इज इक्वल टू एन एफ आर टी बाई टू या यू इज इक्वल टू एन सी वी टी बाई टू ठीक है सॉरी एन सी वी टी और सी वी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू ठीक है तो ये सब थोड़ा हम लोग को जानना है गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी और इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ सी पी हो गया एडियाबेटिक मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और सी भी हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गामा को बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इट इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ और इंटर टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या हुआ मतलब इट इज द टोटल टाइप्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द एनर्जी कंटेन बाई द गैसियस एटम और द मोलिक्यूल्स और ई इज इक्वल टू एन एफ आर टी बाई टू और यू इज इक्वल टू एन सी बी टी ठीक है लॉ ऑफ इक्वीपर्टिशन ऑफ़ एनर्जी क्या बोलता है कि आपका हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में टोटल एनर्जी का शेयरिंग इक्वल होगा ठीक है मतलब आपको एक मोल के लिए अगर वन मोल गैस लेते हो तो आपका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम वन डिग्री ऑफ फ्रीडम में आर टी बाई टू और अगर आप वन मोलिक्यूल लेते हो तो वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए के टी बाई टू के है आपका बोल्जमैन कांस्टेंट, ठीक है बोल्जमैन कांस्टेंट। बोल्डमैन कांस्टेंट है के के बी टी ठीक है के बी टी तो अगर आप वन ये वन मोल के लिए तो एन मोल के लिए एन आर टी बाई टू हो गया और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है अगर एफ़ डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है तो एन आर टी बाई टू इन टू एफ़ ठीक है इसी तरह से ये वन मोलिक्यूल के लिए वन मोलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ़ फ्रीडम का और अगर आपको इसमें क्या बोलते हैं एफ डिग्री फ्रीडम है तो क्या हो जाएगा आपको एफ़ के बी टी बाई टू तो ऐसे आपको ये पूरा एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली एक दिमाग में रहना चाहिए मतलब क्लियर कट ठीक है क्लियर कट ये दिमाग में रहेगा तो आप इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे टोटल एनर्जी ऑफ द गैस ठीक है तो इस तरीके से हम लोग आ, आ, सब सारा इसमें जैसे कुछ न्यूमरिकल्स वगैरह भी देखेंगे जैसे मान लो कि एक इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसा ठीक है इसमें P1 V1 T1 और ये बंद है पहले इसमें इधर P2 V2 और T2 ठीक है इसमें आपको जो क्वेश्चन uh, में ये दिया हुआ है कि टू नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स देखना ये नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है ये वाला और दोनों ठीक है टू नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स हैविंग वॉल्यूम भी वन वी टू कंटेन मोनो अटोमिक गैस ठीक है ये मोनो है ये भी आपका मोनो है मोनो अटोमिक गैस अच्छा मोनो है और ये डाया है सॉरी ये आपका डायाटोमिक गैस है ठीक है मोनोटोमिक गैस डायाटोमिक गैस दे आर कनेक्टेड आई सोन इन द फिगर प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द टू कंटेनर्स पी वन टी वन पी टू टी टू ठीक है पी टू टी टू दिया हुआ है इनिशियली स्टॉप कॉक इज क्लोज देयर एंड इफ द स्टॉप कॉक इज द ओपन फाइन द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर पी और निकालना टी निकालना है ठीक है तो देखो इसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स एन वन इज इक्वल टू पी वन वी वन बाई आर टी वन इसका जो होगा पी टू वी टू आर टी टू ठीक है नंबर ऑफ मोल्स ये एन वन हो गया ये एन टू हो गया तो अगर ये नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व ही रहेगा ना सॉरी नंबर ऑफ मोल्स तो आपका चेंज होने वाला नहीं है तो आप फाइनल प्रेशर पी वी वन प्लस भी टू आर टो फाइनल टेम्परेचर टी इज इक्वल टू मतलब ये आपका ये क्या है टोटल नंबर ऑफ़ द मोल्स पी बाय बाई आर टी तो पी वन वी वन आर टी वन प्लस पी टू वी टू आर टी टू तो ये इक्वेशन क्योंकि इसमें आपका पी और टी दो अननोन है एक इक्वेशन और चाहिए तो एनर्जी कंजर्व कर दो तो इसका जो एनर्जी होगा क्या होगा एन एफ आर टी बाई टू होता है तो इसमें आपका नंबर ऑफ मोल्स एन वन है ठीक है और ये हमारा एन वन है ये एन टू है ठीक है तो आप इसमें जो है ऐसा करो ये टोटल एनर्जी कंजर्व कर दो ठीक है तो इत, मतलब ये थ्री बाई टू एन वन आर टी वन प्लस फाइव बाई टू एन टू आर टी टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू अब तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा थ्री बाई टू एन वन आर टी प्लस फाइव बाई टू एन टू आर टी ठीक है टी क्या हो गया बोलो फाइनल टेम्परेचर ठीक है टी हो गया तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर ये ध्यान देना एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ थ्री बाई टू एन वन आर टी वन प्लस फाइव बाई टू एन टू आर टी टू थ्री बाई टू एन वन आर टी प्लस फाइव बाई टू एन टू आर टी ठीक है तो अब ये देखो इसको तुम सॉल्व करते हो एन वन का वैल्यू तुम्हें पता है एन वन का वैल्यू है ये पी वन वी वन आर टी वन ये पी टू वी टू तो ये टी जो आप इसमें सॉल्व करोगे तो थ्री पी वन भी वन प्लस फाइव पी टू टू डिवाइडेड बाई थ्री पी वन पी वन वी वन टी टू पी वन वी वन टी टू वेरीफाई कर लेना आप लोग फाइव पी टू वी टू टी वन ठीक है और इनटू आपका टी वन टी टू राइट टी वन टी टू ठीक है थ्री पी वन वी वन प्लस फाइव पी टू वी टू टी वन टी टू तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया फाइनल टेम्परेचर और इस फार्मूला को आप जो इसमें इक्वेशन में लगा दोगे यहाँ से पी निकालना है टी का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो यहाँ से तुम तुम्हारा जो होगा पी निकल जाएगा ठीक है यहाँ से ये वैल्यू पुट करो ये इसको वैल्यू पुट करोगे इसका मैं आपको रिजल्ट लिख दे रहा हूँ पी इज इक्वल टू ये थोड़ा लंबा रिजल्ट है थ्री पी वन वी वन थ्री पी वन वी वन प्लस फाइव पी टू वी टू डिवाइडेड बाई थ्री पी वन वी वन टी टू थ्री पी वन वी वन टी टू प्लस फाइव पी टू वी टू टी वन फाइव पी टू वी टू टी वन ये आप एक बार वेरीफाई करना आप लोग ठीक है और इसमें इन टू बड़ा रिजल्ट है इसमें आपका पी वन वी वन टी टू पी वन वी वन टी टू प्लस पी टू वी टू टी वन एंड अपॉन वी वन प्लस वी टू ठीक है तो ये देख लेना आप लोग ठीक है ना तो इस तरीके से आप लोग के लिए जैसे सब इक्वेश्स वगैरह क्वेश्चंस ऐसे अब मान लीजिए कि ऐसा एक कोई सपोज डैट कि ये एर पिस्टन है इसका एरिया ए है मास एम है ये एटमोस्फेरिक स्पीनॉट है ये रेस्ट में है और ये हाइट एच दिया हुआ है इसमें गैस भरा हुआ है ठीक है ना ये गैस भरा हुआ है टेम्परेचर टी दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इसका क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स है ना तो इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट एन इज इक्वल टू पी वी वाई आर टी हो जाएगा तो P देखना प्रेशर ऑफ़ द गैस है ये प्रेशर ऑफ़ द गैस तो ये प्रेशर ऑफ़ द गैस ये तो रेस्ट में है तो ये वाली प्रेशर P नॉट प्लस एम जी बाई ए के बराबर होगा ठीक है क्योंकि ये रेस्ट में है तो ये एटमोस्फेरिक प्रेशर और उसको अपोज कर रहा मतलब इक्विलिब्रियम में रखा है मतलब इसको रोक के रखा हुआ है तो P नॉट प्लस एम जी बाई ए और वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू एच ठीक है एंड डिवाइडेड बाई आर टी ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा इसमें एन नंबर ऑफ द मोल्स मतलब ये एन इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा दिया ठीक है तो ऐसे हम लोग uh, uh, जो है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम्स वगैरह भी देखिए डिस्कस कर ले प्रेशर ऑफ़ द गैस टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस ये एक आपका मैक्सुअल्स डिस्ट्रीब्यूशन आता है ये मैक्सल एम ठीक है ना मैक्सल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो ये जो आपका वी मतलब स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द गैस ठीक है और ये डी एन बाई डी वी मतलब ये जैसे कुछ इस तरह से आता है ये आपका डी वी कहलाएगा मतलब ये स्पीड इंटरवल हुआ क्या हुआ स्पीड इंटरवल हुआ राइट ये स्पीड इंटरवल हुआ यहाँ पर इस तरह से आपको ये जो होगा भी एम पी एस वी एवरेज और ये वी आर एम एस ठीक है वी आर एम एस वी आर एम एस जो होता है वो अंडर रूट वी स्क्वायर बार होता है ठीक है और ऑलरेडी तुमको पता है ये थ्री पी बाई रो होता है या तो थ्री पी रो के बदले पी एम बाई आर टी करोगे तो थ्री आर टी बाई कैपिटल एम ये मोलिकुलर वेट हो जाएगा ठीक है थ्री आर टी बाई एम एक बार देख लो वी आर एम एस वी स्क्वायर बार का रूट तो स्क्वायर बार क्या होता है थ्री पी बाई रो होता है तो यही सब रिजल्ट याद रखना है फ्लो में रिजल्ट याद रखना है थ्री पी बाई रो का वैल्यू पी एम बाई आर टी तो यह आपका थ्री आर टी बाई एम पी पी दो कैंसल एम क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस यूनिट कंसिस्टेंसी ध्यान देना है ठीक है और अगर इसको इसमें लिखोगे भी आर एम एस तो थ्री केबीटी के बी टी बाई ए स्मॉल एम एम क्या है ये अपना मोलिकुलर वेट ठीक है सॉरी मास ऑफ द सिंगल मोलिक्यूल और ये है मोलिकुलर वेट तो अगर आर लिखते हो और के बी है बोल्जमैन कॉन्स्टेंट वन पॉइंट थ्री एट टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी थ्री ठीक है ये देखना डी एन बाई डी बी क्या हुआ नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स इन द स्पीड इंटरवल डी वी ठीक है डी वी इंटरवल में ये जो देख रहे हो ना कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यह आपका नंबर ऑफ़ द मोलिक्यूल्स अंडर सर्टेन स्पीड इंटरवल तो ये एरिया हो जाएगा ठीक है और टोटल एरिया क्या हो गया नंबर ऑफ़ द मोलिक्यूल्स हो जाएगा अगर टोटल एरिया लेते हो और यहाँ पर देखना ये जो आपका जो गैस का जो स्पीड होता है वो आपका जीरो से लेकर के इन्फिनी तक होता है ये शुरू में इनिशियल और टेल के तरफ मतलब ये ग्राफ का जो टेल है उधर जो नंबर ऑफ़ द मोलिक्यूल्स जो होगा हाई स्पीड और लो स्पीड पर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स स्मॉल होता है जनरली जो आपका इस पोर्स में सब स्पीड्स आते हैं प्रैक्टिकली ठीक है तो ये सब ध्यान देना है इसमें अब ये जैसे कि अगर मान लो कि ये टी है ये आपका T2 है तो ये हाई टेम्परेचर पर देखिए इसका जो पीक हो रहा है घट रहा है ठीक है वी एम पी एस एक्चुअली ये वी एम पी एस जो होगा आ, इसका जो वी एम पी एस एट के टी एट के टी बाई पाई एम ठीक है और ये वी एवरेज इसका सॉरी ये V एवरेज हुआ। ये वी एवरेज एट के टी बाई पाई एम और वी एम पी एस जो होगा वो होगा अच्छा एट के टी बाई पाई स्मॉल एम और या तो बोले तो एट आर टी बाई पाई कैपिटल एम ये मोलिकुलर एट एंड टू आर टी बाई कैपिटल एम या टू के बी टी बाई स्मॉल एम ठीक है तो ये ध्यान देना है इसमें कि अगर आपका टेम्परेचर हाई होता है टेम्परेचर हाई होगा तो अब ये वी एम पी एस जा करके दूर पर मिलेगा ठीक है ना क्योंकि इसका पीक यहाँ पीक उधर जाएगा तो लेकिन नंबर ऑफ़ द मोलिकुल्स और नंबर ऑफ़ एटम्स तो फिक्स है तो इसीलिए ये आपका जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा ग्राफ क्या हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा तो ये आपको एक गैसियस सब सिस्टम्स में इसमें ध्यान देना सबसे जो भी एम सबसे छोटा होगा ठीक है उसके बाद भी एवरेज है ना तो भी आर एम एस सबसे बड़ा भी आर एम एस ग्रेटर देन भी एवरेज एंड ग्रेटर दैन वी एम पी एस वी एम पी एस का मतलब क्या होता है कि वी एम पी एस मतलब इट इज़ द स्पीड ऑफ द गैस हुच इज कंटेन बाई द मैगजिमम नंबर ऑफ द मोलक्यूल्स ऑफ द एटम्स राइट मैक्म नंबर ऑफ द मोलक्यूल्स ऑफ द एटम्स तो ये आपका सब फॉर्मूला है अब आप इस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए ओके थैंक okay, यू